मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? और देखिए, आज के दिन की शुरुआत भी मैंने की है किचन से, क्योंकि आज भी मेरे पास एक मिनी केक का ऑर्डर है। उन्होंने एक छोटे केक का ऑर्डर किया है, क्योंकि केवल 4-5 लोग हैं सेलिब्रेशन के लिए। बर्थडे केक का ऑर्डर किया है, तो आज मैं उनके लिए बनाने वाली हूँ चॉकलेट केक। किसके लिए बनाने वाली हूँ वो आपको कल के व्लॉग में पता चलेगा। तो चलिए, बने रहेगा इस व्लॉग में मेरे साथ। केक की रेसिपीज मैं बहुत बार, कई बार अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आपसे वो रेसिपीज मिस हो गई हैं तो प्लीज मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी आज शॉर्ट में मैं इस रेसिपी को आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं चॉकलेट केक बनाना। चलिए, मिनी केक बना रही हूं, तो मैं यहां पे ले लूंगी आधा कप दही। दही ठंडी नहीं होनी चाहिए, एकदम रूम टेम्परेचर वाली होनी चाहिए, और बहुत ज्यादा खट्टी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक ठीक खट्टेपन वाली दही होनी चाहिए। और अब इसमें मैं डाल दूंगी 3/4 कप पिसी हुई चीनी, ये रेगुलर चीनी है, और साथ में 1/4 कप रिफाइंड ऑयल, और करीब 1 छोटा चम्मच वेनिला एसेंस। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम छान कर ऐड करेंगे। तो इस बोल के ऊपर मैं रख दूंगी ये छन्नी। इसमें मैं डाल दूंगी 1 कप मैदा, 2 बड़े चम्मच डार्क कोको पाउडर। डार्क कोको पाउडर से कलर अच्छा आता है, डार्क कलर आता है। अगर आप नॉर्मल कोको पाउडर यूज करेंगे तो थोड़ा लाइट कलर आएगा केक का। अब इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, और 1/2 टीस्पून नमक। इससे अच्छा फ्लेवर आएगा, फ्लेवर एनहेंस हो जाता है हल्का सा नमक ऐड करने से। और अब इसमें मैं डालूंगी बिल्कुल चुटकी भर सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड डालने से केक जो है बहुत ही जालीदार, बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। वैसे आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, डालना जरूरी नहीं है। और अब हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे, और छानते हुए वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे। तो ये अभी थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करूंगी। दूध एकदम रूम टेम्परेचर वाला होना चाहिए। तो जिस मेजरिंग स्पून से मैंने दही लिया था उसी में मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया है। इसको हम ऐड कर देंगे और फिर मिक्स कर लेंगे। मिक्स आपने एक ही डायरेक्शन में करना है। तो देखिए, बैटर तैयार है, इतनी कंसिस्टेंसी वाला बैटर आपने तैयार करना है। देखिए, इस तरह से जब आप गिराए तो रिबन की तरह गिरे, तो ये बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पे मैंने एक छोटा केक मोल्ड भी तैयार कर लिया है, इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया था, और साथ में मैंने इसमें बटर पेपर भी लगा दिया है। तो चलिए, तैयार किए हुए बैटर को हम इसमें डाल देंगे। टैप कर लेंगे ताकि अगर इसमें कोई एयर बबल है तो वो रिलीज हो जाए। और बस अब हम इसे अवन में बेक होने के लिए डाल देंगे। अवन को मैंने पहले ही 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रीहीट कर लिया है करीब 10 मिनट के लिए। तो चलिए, इसको डाल देते हैं अवन में। ये छोटा केक है तो इसको बेक होने में करीब 20 या 25 मिनट ही लगेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए, इसे बेक होने देते हैं। और देखिए, केक अच्छे से बेक हो रहा है, और केक को बेक होते हुए करीब 25 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। बिल्कुल साफ निकल आया, इसका मतलब हमारा केक तैयार है। तो चलिए, इसे बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना परफेक्ट ये बनकर तैयार हुआ है। और अब हम इसे यहीं काउंटर पर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ये हल्का सा ठंडा हो जाए, फिर इसको हम मोल्ड से बाहर निकालेंगे। तो केक हल्का ठंडा हो गया है, तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। हल्का सा स्क्रेप कर लेंगे साइड से, और प्लेट के ऊपर इसे हम उल्टा कर देंगे, टैप करेंगे।
देखिए कितना परफेक्ट ये बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए कितना परफेक्ट ये बनकर तैयार हुआ है। अभी इसको हम अच्छे से ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसके लेयर्स काटेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम को अच्छे से व्हिप कर लिया है। क्रीम को कैसे व्हिप करना है वो कई बार मैं अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ, आप मेरे पहले के वीडियोस देख सकते हैं। अब इसमें मैं मिला दूंगी थोड़ा सा चॉकलेट सॉस। ये चॉकलेट सॉस बनाना भी मैंने अपने पहले वीडियो में बताया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर लूंगी। और आज मैं डच चॉकलेट केक बना रही हूँ तो व्हिपिंग क्रीम में इसीलिए मैं ये चॉकलेट सॉस मिला रही हूँ। तो क्रीम को अच्छे से व्हिप करने के बाद तब उसमें ये चॉकलेट सॉस मिलाना है। और ये जो चॉकलेट सॉस है ये रूम टेम्परेचर वाला होना चाहिए, गर्म बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जिस बीटर से मैंने व्हिपिंग क्रीम को व्हिप किया था उसी से हम इसे दोबारा से व्हिप कर लेंगे। और देखिए कितना बढ़िया ये कॉफी कलर का व्हिप्ड क्रीम तैयार हो गया है। तो चलिए केक की लेयरिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले केक के लेयर्स काट लेते हैं। केक बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है तो अब मैं इस ब्रेड नाइफ की हेल्प से सबसे पहले इसका जो टॉप लेयर है उसको निकालकर काटकर अलग कर दूंगी। इसको हम यूज नहीं करेंगे, इसको आप किसी डेजर्ट में यूज कर सकते हैं या फिर बच्चों को ऐसे ही खाने के लिए दे सकते हैं। और अब इस केक के हम तीन बराबर थिकनेस के लेयर्स काट के तैयार कर लेंगे। और अब मैंने ले लिया है ये 6 इंच का केक बोर्ड, इसमें मैं लगा दूंगी थोड़ा सा तैयार किया हुआ व्हिप्ड क्रीम। ऐसा करने से क्या होता है कि केक अपनी जगह से हिलेगा नहीं। और अब केक की पहली लेयर मैं इसके ऊपर रख दूंगी। और ये है चॉकलेट शुगर सिरप, इसमें मैंने 4 बड़े चम्मच पानी, 3 बड़े चम्मच चीनी और 1 बड़ा चम्मच चॉकलेट सिरप मिलाया। जो हर्शलेस का चॉकलेट सिरप आता है ना वही है, उनको अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये हमारा सिरप तैयार है। तो इससे हम केक की लेयर को अच्छे से ब्रश कर लेंगे। ऐसा करने से क्या होता है कि केक मॉइस्ट हो जाता है और खाते वक्त ड्राई नहीं लगता है। और यहां मैंने तैयार किए हुए व्हिप्ड क्रीम को इस पाइपिंग बैग में भर लिया है, अब हम इससे लेयरिंग कर लेंगे। अच्छे से स्पैचुला की हेल्प से स्प्रेड कर लेंगे। एक छोटा चम्मच तैयार किया हुआ चॉकलेट सॉस डाल देंगे, इससे और बढ़िया बनकर तैयार होगा हमारा केक, और ज्यादा चॉकलेटी। स्प्रेड कर देंगे। अब इसके ऊपर रख देंगे हम सेकेंड लेयर, इसके ऊपर भी चॉकलेट शुगर सिरप लगा देंगे, फिर एक थिक लेयर व्हिप्ड क्रीम की। दोबारा से थोड़ा सा चॉकलेट सॉस स्प्रेड कर देंगे। और फिर लास्ट लेयर केक की, इसके ऊपर भी दोबारा से चॉकलेट शुगर सिरप। और ये फाइनल लेयर व्हिप्ड क्रीम की, शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ। केक की साइड्स को भी कवर कर लेंगे। स्पैचुला की हेल्प से स्प्रेड कर लेंगे। तो देखिए केक की क्रम कोटिंग तैयार हो गई है। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी करीब 1 घंटे के लिए ताकि अच्छे से सेट हो जाए, उसके बाद हम इसमें डेकोरेशन करेंगे। सो व्हिप्ड क्रीम की जो पहली लेयर हमने लगाई थी केक के ऊपर वो अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे चॉकलेट सॉस जो मैंने पहले ही बनाकर रखा है, अच्छे से ठंडा है वो, उसको इसके ऊपर हम डालेंगे।
और फिर हल्के हाथों से स्प्रेड कर देंगे। और देखिए इसी चॉकलेट सॉस को मैंने इस पाइपिंग बैग में भी भर लिया है। इसके टिप को हम काट देंगे और केक की जो साइड है यहां से हम इसको इस तरह से ड्रॉप करते जाएंगे, तो बहुत ही प्यारा सा पैटर्न बन जाता है। बस आपने साइड में थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से ड्रॉप करते जाना है। और देखिए ये मैंने ले लिए हैं चॉकलेट स्प्रिंकलर्स, ये आपको किसी भी बेकरी आइटम सप्लायर की दुकान में मिल जाएंगे या फिर आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इसको हम यहां ऊपर डाल देंगे। तो मेरे पास ये ब्राउन कलर के शुगर बॉल्स भी हैं, छोटे छोटे हैं बिल्कुल, इसको भी मैं थोड़ा थोड़ा डाल दूंगी। जो बचा हुआ व्हिप्ड क्रीम था वो मैंने इस पाइपिंग बैग में भर दिया है और साथ में मैंने लगा दिया है ये रोज नोजल। अब हम इसे यहां पे रोज बना लेंगे। अब इसी से हम बॉर्डर भी बना देंगे। अभी ये जो हमने रोजेस बनाए इसके सेंटर में हम रख देंगे ये रेड कलर के शुगर बॉल्स। और मेरे पास ये एडिबल शुगर पेपर के बटरफ्लाइज हैं, इनको मैं यहां स्टिक कर दूंगी क्योंकि ये केक बच्चे के लिए बन रहा है, तो जितना कलरफुल बनाएंगे उतना ही बच्चे को अच्छा लगेगा। तो बस इसको हल्का सा ऐसे पिंच करना है बीच में से और इधर स्टिक कर देना है। और जो रेड शुगर बॉल्स है वो हम यहां बॉर्डर में जो हमने फ्लावर्स बनाए इनमें भी लगा देंगे बीच में सेंटर में। तो ये बॉर्डर भी हो गया तैयार और हमारा केक भी हो गया तैयार। तो देखिए कितना प्यारा ये केक बनकर तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ जिनके लिए बनाया है उनको भी पसंद आएगा, खासकर बर्थडे गर्ल को, जिसके लिए बनाया है ना, जिस बच्ची के लिए, उम्मीद करती हूँ कि उसको ये पसंद आए। तो फाइनली केक भी बनके तैयार हो गया, मुझे तो बहुत प्यारा लगा ये डिजाइन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आएगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फटाफट थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाती हूँ, उसके बाद चाय पीती हूँ और फिर काम पे लगना है क्योंकि आज भी मैंने सुबह से अपने स्टॉल का काम नहीं किया है। सुबह से मैं ये केक बेक कर रही थी, फिर उसके बाद उसके डेकोरेशन में लग गई। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4:30, बस थोड़ा सा हाथ मुंह धोकर चाय पीती हूँ, उसके बाद फिर दोबारा से खजूर रोल और कुकीज बनाने की तैयारी। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और आज मैंने केक बनाने के अलावा इतने सारे खजूर रोल बनाए, तो आज का काम भी हो गया है पूरा। और मुझे लग रही है बहुत ज्यादा प्यास, तो मैं अब अपने लिए बनाने वाली हूँ फ्रेश लाइम सोडा, मुझे बहुत पसंद है, तो चलिए बनाते हैं फटाफट। ये गया करीब 1.5 चम्मच लेमन जूस, 1 टैबलेट स्टीविया, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, आइस क्यूब्स, और फाइनली ठंडा ठंडा सोडा। तो
तो चलिए दिन भर की मेहनत के बाद अब आराम से बैठकर फ्रेश लाइम सोडा एंजॉय करती हूँ। और आज तो खतरों के खिलाड़ी भी आएगा, जो कि मेरा फेवरेट रियलिटी शो है। आपका कौन सा है फेवरेट रियलिटी शो, बताइएगा जरूर। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। चीयर्स। तो चलिए फिर, काफ़ी थक चुकी हूँ आज भी, काफ़ी सारा काम किया आज, तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। लेकिन ब्लॉग एंड करने से पहले, आप में से काफ़ी लोग मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि आपके जो बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं वो हम कैसे खरीद सकते हैं, और मैं उन्हें बार बार जवाब भी दे रही हूँ कि आप प्लीज़ इंस्टाग्राम में मुझे DM करें। लेकिन शायद वो पढ़ नहीं रहे हैं और बार बार फिर वही सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, तो आप प्लीज़ इंस्टाग्राम में मुझे DM करें, क्योंकि यूट्यूब में मैं अपना नंबर या फिर अपना एड्रेस आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं मेरा प्रोडक्ट्स खरीदना, मेरे बेकरी के प्रोडक्ट्स खरीदना, तो इंस्टाग्राम में मुझे DM करें, वहां मैं आपके साथ अपना नंबर शेयर करूंगी और फिर आप मुझसे मेरे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। लेकिन तभी अगर आप देहरादून में रहते हैं, मैं आउट ऑफ स्टेशन अपने प्रोडक्ट्स नहीं भेजती हूं। अगर आप देहरादून के रहने वाले हैं और मेरा प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं तो फिर आप मुझे DM करें। तो चलिए फिर इसी के साथ आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये जो केक डिज़ाइन था वो आपको पसंद आया होगा, आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया इसको लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।